नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत दुलशन। की शुरुआत करते हैं, पंजाब कैबिनेट की बैठक कैंसिल हुई। आपको बता दें कि बुधवार को अब बैठक हो सकती है पंजाब कैबिनेट की। प्रदेश में कोरोना स्थिति को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी थी, अब फिलहाल ये बैठक कैंसिल हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये बैठक कैंसिल की गई थी और आज ये बैठक होने जा रही थी पंजाब कैबिनेट की, जिसमें कोरोना की स्थिति को लेकर खास तौर पर चर्चा की जानी थी, लेकिन आज भी ये बैठक कैंसिल हो गई है। अब ये बैठक बुधवार को होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। खास मुद्दा कोरोना को लेकर रहेगा, कोरोना से जुड़ी रणनीति को लेकर इस पर चर्चा होगी, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसे देखकर खास तौर पर ये बैठक रखी गई है किस तरीके की रणनीति बनानी है कोरोना की रोकथाम के लिए, क्योंकि लगातार पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में इजाफा होता जा रहा है, जिसे देखकर ये बैठक होने जा रही है बुधवार को। पहले ये बैठक आज होनी थी, आज यानी कि 31 जुलाई को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक कैंसिल कर दी गई है और अब ये बैठक होगी बुधवार को। प्रदेश में कोरोना स्थिति को लेकर खास तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक कैंसिल हो गई है, अब बुधवार को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। पहले ये बैठक आज होने वाली थी और इस बैठक में जो खास मुद्दा था वो कोरोना से जुड़ा मुद्दा था, कोरोना को लेकर खास तौर पर इस बैठक में चर्चा होनी थी। अब ये बैठक कैंसिल होकर बुधवार को होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। खास मुद्दा कोरोना से जुड़ा रहेगा, एक रणनीति तैयार की जाएगी कोरोना को लेकर, कैसे इस महामारी से निपटना है, लोगों को खास तौर पर जागरूक किया जाएगा। इससे पहले भी पंजाब कैबिनेट की बैठक में इस तरह के अहम फैसले लिए जा चुके हैं, पंजाब सरकार कई तरह के फैसले ले चुकी है, फिर चाहे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करना हो या फिर प्लाज्मा बैंकिंग की बात की जाए, प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाए, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की बात की जाए, या तमाम चीज़ें पंजाब सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं एहतियातन, लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह से सख्ती भी बरती जा रही है। जो प्रदर्शनों का सिलसिला है उस पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश पंजाब सरकार हालांकि करती है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं समझते नहीं हैं, जिसके चलते लगातार पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। और अब मीटिंग होगी बुधवार को, आज होने जा रही थी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग, लेकिन अब ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, अब ये मीटिंग बुधवार को होगी। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली थी, अब बुधवार को होगी, कैंसिल हो गई बैठक, क्या कुछ अपडेट? हेलो जी नकुल, आपको आवाज मिल पा रही है? नकुल, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हेलो नकुल, आपको आवाज मिल पा रही है? नकुल, आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगातार हम अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक जो कि आज होने वाली थी, अब बैठक रद्द हो गई है, अब ये बैठक बुधवार को होगी। इससे पहले भी ये मीटिंग होनी थी, रद्द होने के बाद ये मीटिंग आज के लिए रखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक रद्द कर दी गई है, अब बुधवार को होगी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल तरन दस दिए, दूजी और कैबिनेट नू मुलतवी किया गया क्योंकि पहली कैबिनेट 29 तरीक नू 3 बजे होनी सी, फिर 31 तरीक किया गया, पर इनू भी मुलतवी कर दिता। हालांकि कोई रीजन नहीं दिता, पर कल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू मीटिंग ली है, उन्होंने लैके जी डीसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट की जोड़े सेहत विभाग के अधिकारी से उन्होंने मीटिंग की है, तो इस करके जी हूँ अगली कैबिनेट है वो बुधवार को रखी गई है। हो सकता है कि जी गाइडलाइन 3 केंद्र सरकार वालों दी गई है, अनलॉक 3 गाइडलाइन जी जारी की गई है, वह विचार वटांदरा किया जाएगा और सूबे के जिम्स और कोचिंग सेंटर खोलन के लिए उस कैबिनेट बैठक के फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कल भी रिव्यू मीटिंग से हले भी जी सिचुएशन है क्लीयर नहीं की गई है कि जिम और कोचिंग सेंटर सूबे के खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, खास मुद्दा कोरोना से जुड़ा रहेगा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी, क्या कुछ इस अनलॉक 3 में खोला जाएगा, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया। तो पंजाब कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है, अब ये बैठक बुधवार को होगी। तो आपको बता दें कि अब ये बैठक बुधवार को हो सकती है पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक।
प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर ये बैठक होनी थी, अब ये बैठक रद्द कर दी गई है और बुधवार को अब ये बैठक होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, उसे रद्द कर दिया गया था। अब आज के लिए ये बैठक रखी गई थी, आज भी इस बैठक को रद्द कर दिया गया। अब ये बैठक बुधवार को होगी, जिसमें कोरोना की स्थिति को लेकर खासतौर पर ये चर्चा की जाएगी, किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, किस तरीके से कोरोना की के जो मामले बढ़ रहे हैं उनसे निपटना है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए, कैसे बचा जाए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए और कई तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब ये जो बैठक होने जा रही है बुधवार को, इसमें भी इसी को लेकर खास तौर पर चर्चा की जाएगी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन जो खास मुद्दा रहेगा वो कोरोना से जुड़ी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, कैसे इस महामारी से निपटना है, लोगों को जागरूक किया जाएगा और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, अनलॉक 3 को लेकर भी इस बैठक में खास तौर पर चर्चा हो सकती है कि अनलॉक 3 में क्या क्या खुलेगा। तो ये बैठक आज होने वाली थी, फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है और अब ये बैठक बुधवार को होगी। वहीं पंजाब में कोरोना से जंग लड़ने के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है और अब ये प्लाज्मा पंजाब में फ्री मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा को खरीदने और बेचने की अनुमति नहीं है। इससे पहले पंजाब में प्लाज्मा को 10 से 20 हजार रुपए तक बेचने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने कैप्टन सरकार को घेरना शुरू कर दिया था और अब ये प्लाज्मा बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई है। अब पंजाब में प्लाज्मा फ्री मिलेगा। आपको बता दें कि जब इस प्लाज्मा को बेचने या खरीदने की बात हो रही थी, तब विपक्षी पार्टियां कैप्टन सरकार को घेरती हुई नजर आई और अब ये फैसला निकल के सामने आया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये फैसला लिया है कि अब प्लाज्मा फ्री में मिलेगा, कोई बेचने और खरीदने वाली बात नहीं रहेगी। जिस तरीके से लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि एक तरफ जहां पर प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था उसके बदले में दूसरी तरफ पैसे लिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल कैप्टन सरकार को घेरती हुई नजर आई और अब इस पे ये फैसला लिया गया है कैप्टन सरकार की तरफ से कि फ्री प्लाज्मा मिलेगा, कोई बेचने की प्रक्रिया इसमें या फिर बेचने की प्रक्रिया इसमें नहीं रहेगी। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल मासा जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब प्लाज्मा फ्री में मिलेगा, बेचने खरीदने पर रोक लगा दी गई है, क्या ये प्री प्लान था या फिर अब विपक्षी पार्टियां घेर रही थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है दबाव में आकर? कि दो दिन पहला हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसे से क्या गया सी कि जरा प्लाज्मा है 20,000 रुपए का जरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेचा जाएगा। इन्हें लेकर सियासत शुरू हो गई सी सूबे दे विच। विरोधी दल आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार नु घेरना शुरू कर दिता सी। भगवंत मान जड़े की सांसद ने आम आदमी पार्टी वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जरा प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं, जरा कि प्रोटेस्ट अज किया जाना सी। पर कल जी कोविड मीटिंग की रिव्यू मीटिंग हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई के, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बयान जारी किया कि कोई भी जी खरीद और बेच जी प्लाज्मा की नहीं की जाएगी, जेड़े भी लोड़वंद होंगे उन्होंने मुफ्त जरा प्लाज्मा प्रोवाइड किया जाएगा। नाल दी नाल उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट की जेडे कि 10,400 कुछ जेडे केसेस ने रिकवर हो चुके हैं सूबे के, वो वध तो वध जरा अगे आन और अपनी सहमति जो प्लाज्मा है वो डोनेट करन। हालांकि पिछले दिन यह भी खबर मिली थी कि 40 पुलिस वाले ने भी जरा अपना प्लाज्मा डोनेट करन का फैसला लिया। तो आम आदमी पार्टी ने अमन अरोड़ा ने यह बयान दिता कि इनू आम आदमी पार्टी की जित दसी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया इस सूबे के प्रोटेस्ट को लेकर इस मसले के उत्ते कि प्लाज्मा बेचा जा रहा है। तो पूरे मसले के उत्ते कल एक रिलीज जारी की प्रेस रिलीज जारी की गई है कि प्लाज्मा हुण ना ही बेचा जाएगा सूबे के, ना ही खरीदा जाएगा, जेडे भी लोड़वंद होणगे उन्होंने मुफ्त जरा प्लाज्मा दिता जाएगा। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये फैसला लिया गया है कि इसके बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनका क्या रुख है इस फैसले पर, कोई इनकी प्रतिक्रिया सामने आई है? Your voice is not right. नकुल, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी।
नकुल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला लिया है, आप प्लाज्मा को बेचने की बात नहीं होगी, जिस तरीके से बेचने और खरीदने की बात चल रही थी, अब ये फैसला लिया गया है कि पंजाब में प्लाज्मा जो है वो फ्री में मिलेगा। दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से घेरा गया था कैप्टन सरकार को, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है कि अब प्लाज्मा पंजाब में फ्री में मिलेगा, बेचने या खरीदने पर अब रोक लगा दी गई है पंजाब में प्लाज्मा पर। एक बार फिर से हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये फैसला कैप्टन सरकार की तरफ से लिया गया है, अब विपक्ष का क्या रुख है इसके लिए, क्या कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? देखो, कल ही आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिता, अमन अरोड़ा ने विधायक जड़े विधायक ने सुनामनो उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी कि जड़ी ये जड़ा फैसला लिया गया पंजाब सरकार वालों, जड़ा वापस लिया गया फैसला 20,000 का जड़ा प्लाज्मा बेचा जाएगा, पहला ये फैसला लिया गया इसी सूबे की सरकार तो हूँ जड़ा फैसला वापस लिया गया उन्होंने आम आदमी पार्टी की जित दसी गई है। हालांकि विरोधी धर ने यह भी कहा कि अगर पहला जरा 4 दिन पहला अगर ये फैसला नहीं वापस लिया जाता तो इनू लेकर प्रदर्शन किया जाएगा सूबे के। कल ही एक रिव्यू मीटिंग की गई सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों, तो उस मीटिंग तो बाद यह फैसला लिया गया कि प्लाज्मे का जरा वेच और खरी वेचन लिए और खरीदन लिए नहीं है, जड़े भी लोड़वंद होंगे उन्होंने जरा प्लाज्मा मुफ्त प्रोवाइड किया जाएगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी क्या कोई सरकार फैसला ले रही है? जिस तरीके से पंजाब सरकार लगातार अपने नए नए फैसले लेकर आ रही है, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी क्या कोई फैसला सामने आएगा? वैट को कम करने को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली में वैट कम किया गया है डीजल पर? तरन दस दिए जी वैट से 2 महीने पहला दिल्ली से वधाई गई थी, वो वैट जी वापस ले ली गई कल 14% पंजाब से, हालांकि वैट 15% ही है जी स्टेट वैट लगती है, तो हालांकि कोई भी फैसला नहीं पेट्रोल डीजल की दरों पर लिता जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिता कि वित्तीय घाटा जरा महामारी करके बहुत पै चुका है, तो हाले कोई भी फैसला जरा वैट से नहीं लिता जाएगा कि जी सूबे जे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के जी काफ़ी इजाफा होया उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा और कोई भी वैट जड़ी है सूबे दे विच नहीं कटाई जाएगी। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला लिया है, खासतौर पर बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई है प्लाज्मा पर। जिस तरीके से पहले बेचा जाता था, खरीदा जाता था प्लाज्मा, डोनेट किया जाता था और उसके बाद में उसके पैसे भी लगते थे, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरा गया था और अब पंजाब में प्लाज्मा फ्री में मिलेगा। सो ये फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है, अब पंजाब में प्लाज्मा फ्री में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे काफी फायदा भी होगा, जिस तरीके से लगातार पंजाब में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्लाज्मा थेरेपी बहुत हद तक कारगर है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। सो कहीं ना कहीं अब जब प्लाज्मा पंजाब में फ्री में मिलेगा, तो जिस तरीके से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है पंजाब में, उसमें इससे काफी फायदा होने वाला है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का अहम फैसला, पंजाब में अब प्लाज्मा फ्री में मिलेगा, बेचने और खरीदने पर प्लाज्मा पर रोक लगा दी गई है, अब फ्री में पंजाब में प्लाज्मा मिलेगा। और ये फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिया गया। पहले दरअसल जब बेचने और खरीदने की बात होती थी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से घेरा गया था कैप्टन सरकार को, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है कि पंजाब में प्लाज्मा फ्री में मिलेगा। वहीं पंजाब में कोविड-19 योद्धाओं को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संज्ञान लेने को कहा है, कोविड-19 योद्धाओं के समय पर सैलरी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संज्ञान लेने को कहा और कहा कि सही टाइम पर कोविड-19 योद्धाओं को खास तौर पर सैलरी दी जाए। आपको बता दें कि पंजाब में कोविड-19 योद्धाओं को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संज्ञान लेने को कहा है और कहा कि सही टाइम पर सैलरी जो है वो योद्धाओं को खास तौर पर दी जाए, सही समय पर सैलरी दी जाए योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स को। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने को कहा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोविड-19 योद्धाओं को समय पर सैलरी दी जाए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जरकपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, लाइव खुदकुशी करने की कोशिश की युवक ने, फेसबुक पर लाइव आत्महत्या की कोशिश की गई युवक की तरफ से। जरकपुर का यह मामला, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। फेसबुक पर लाइव आत्महत्या की कोशिश युवक की तरफ से की गई, पड़ोसी पार्षद और काउंसिल अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। चंडीगढ़ के जेएमसीएच अस्पताल में फिलहाल युवक भर्ती है। आपको बता दें कि पड़ोसी पार्षद पर आरोप लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फेसबुक पर लाइव आत्महत्या का यह मामला है, एक युवक की तरफ से फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जरकपुर का यह मामला। इस तरह से पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आज की नौजवान पीढ़ी में जरा भी सहनशीलता नहीं है और बहुत ज्यादा डेयरिंग कहा जा सकता है उनको। अजय, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। संजय घर वाली असी लगे बटाने घर पा, सानू इन्हें घर पाना, साढ़े तो मांगते पैसे, मेरे बाप के मरी इटसाले ने। एम सी वाले कहते जी, एम सी का जो सा लोकल एम सी पैर हथ ला के लो, कहते मैं लगे जी मरन। भाई आ लैटर लिखा, मैं चलिया मरन, मेरी मरन की जिम्मेवार सतीश, अजय, ओदी घर वालियां, संजय ते ओदी घर वाली, असी लगे बटाने घर पा, सानू इन्हें घर पाना, साढ़े तो मांगते पैसे, मेरे बाप के मरी इटसाले ने। एम सी वाले कहते जी, एम सी का जो सा लोकल एम सी पैर हथ ला के। तो पड़ोसी पार्षद और काउंसिल अधिकारी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं इस नौजवान की तरफ से। फिलहाल चंडीगढ़ के जेएमसीएच अस्पताल में भर्ती है ये नौजवान, जिसने की लाइव खुदकुशी करने की कोशिश की है। आपने सुना, इस वीडियो में देखा किस तरीके से ये युवक फेसबुक पर लाइव होकर बता रहा है कि आखिर खुदकुशी करने की वजह क्या है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मृणाल लाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक नौजवान ने फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो एक नौजवान जो है, इसका कहना है, आनंद विहार बल्टाना का रहने वाला है जी। इसने बोला है कि मेरे जो पड़ोसी हैं, दो नाम इसने दिए हैं, सतीश और एक और नाम लिया है, इसके अलावा पार्षद, पूर्व पार्षद है वहां से प्रवीण, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि मैं अपने घर की रेनोवेशन कर रहा था और जिसका कि बकायदा नगर निगम, नगर काउंसिल जीरकपुर से जो है, जिसकी परमिशन तक ली हुई है, और परमिशन लेने के बावजूद भी ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं और मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। गरीब आदमी है हम लोग, बड़ी मुश्किल से हमने अपना मकान बनाया है और उसके बाद बावजूद ये धमकियां देते हैं, पुलिस नहीं सुनती है, नगर काउंसिल के अधिकारियों के ऊपर, नदी एक जो इंस्पेक्टर है खासतौर पर बलबीर सिंह, उनके ऊपर इसने आरोप लगाया है कि वो मिली भगत के चलते हमें जो है लगातार तंग करता है। और इसके अलावा ये एमसी जो है, पूर्व पार्षद तंग करते हैं, दो लोग अन्य लोगों का नाम लिया है, पुलिस के बारे में बोला है कि जब जब पुलिस चौकी में गए हैं किसी ने हमारी सुनवाई नहीं सुनी। तो उसके बाद फेसबुक के ऊपर इस युवक ने जो है वो लाइव करा और लाइव करते करते ही जहर की शीशी में से बहुत सारा जहर निकल लिया। अब इसको चंडीगढ़ में रेफर किया गया है, चंडीगढ़ सेक्टर 32 के हॉस्पिटल के अंदर जो है ये इस टाइम एडमिट है, 72 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में जो है इसको रखा गया है। पिता से इनके बात हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है कि इस तरह से जो है उनको तंग लगातार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दबंगई जो है पार्षदों और अधिकारियों की जो है वो इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है कहीं ना कहीं पर। और अब जो है क्योंकि जहर निकल लिया है तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई, हड़बड़ा गई है हड़बड़ाहट के अंदर। अब जो है इसमें जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, सिर्फ फेसबुक लाइव होने के बाद और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई फेसबुक की, तो उसके बाद कई पुलिस दफ्तर में आती दिखी है। तो 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है, जैसे मैंने बताया, उस युवक को रखा गया है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अंदर किस तरह की कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। जब वो आप जानना चाहेंगे जिन लोगों पर आरोप लगा है उन्हें क्या हिरासत में लिया गया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई क्या शुरू कर दी गई है? आप जैसा कि मैंने बताया कि अभी उन्होंने, पुलिस ने इसमें जांच शुरू करी है, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही जो है इसमें जो है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको देखते हुए गिरफ्तारियां की जाएंगी। लेकिन जहां तक बात की जाए तो पुलिस ने पूछताछ जो है इस मामले में, गहन पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है। जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पंजाब में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर नौजवान पीढ़ी जो है इस तरह का कदम उठा लेती है
और ये पहला मामला हम नहीं कहेंगे, कई बार ऐसे फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या करने की कोशिश जो है आज की नौजवान पीढ़ी की तरफ से की जाती है। कहीं ना कहीं इस तरह के मामले पंजाब में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खास तौर पर पंजाब के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो पंजाब की, खासतौर पर यदि बात की जाए तो प्रशासन की दबंग गई यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। अक्सर यदि देखा जाए तो पंजाब पुलिस की भी बात करें चाहे पंजाब प्रशासन की बात करें तो पूरे देश में मशहूर है कि किस तरह से दबंगई जो है वो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की चलती है, किस तरह से जो है आम आदमी को तंग किया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये लाइव फेसबुक आत्महत्या है। इस तरह की हरकतें पहले भी पंजाब में, लगभग पूरे पंजाब में होती है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को संभलना होगा, कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर पंजाब सरकार की आपने जिस तरह से बात करी, क्या लोगों की सुनवाई के लिए जिस तरीके से फेसबुक लाइव कैप्टन अमरिंदर सिंह हर बार होते हैं और फेसबुक लाइव होकर लोगों से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म है जिससे लोगों से लाइव जुड़ा जाए, उनकी मुश्किलें जानी जाए, ताकि आज की नौजवान पीढ़ी इस तरह का कोई कदम उठाए ही ना? जी बिल्कुल, यदि बात पंजाब सरकार की जाए तो बहुत सारी चीजें, मित्र कक्ष बनाए गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार के मुलाजिम, पंजाब सरकार के अधिकारी पता नहीं क्यों नहीं इस सारे सिस्टम को समझने को तैयार है। पंजाब एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर सरकार और पुलिस लगातार लोगों पर हावी होती रही है और अभी तक ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके कैबिनेट को संजीदा होना होगा, पुलिस के बड़े अधिकारियों को सजग होना होगा और एक बड़ी मुहिम जो है वो पंजाब में चलानी होगी कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो पुलिस के मुलाजिम है वो लोगों के ऊपर दरिंदगी ना करें। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब का जो है सिस्टम जो है वो सुधारने की बहुत अधिक जरूरत है, जिससे कि इस तरह के नौजवान और आने वाले समय में आत्महत्याएं ना करें। जी जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फेसबुक पर जिस तरह से लाइव आत्महत्या करने की कोशिश बार बार नौजवानों की तरफ से की जा रही है, और हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजाब सरकार को भी इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए लोगों के साथ, ताकि इस तरह के कदम लोगों की तरफ से उठाई ना जाए। आज की नौजवान पीढ़ी जो कि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं पंजाब के अलग अलग जिलों से, ऐसे मामले सामने ही ना आए। वही देश में कोरोना का कहर जारी है, देश में पिछले 24 घंटे में मामलों में इजाफा हुआ है, 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या 16,35,000 के पार जा चुकी है। कोरोना से अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की हालांकि मौत हो चुकी है, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 780 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में कोरोना ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया है, तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती में इजाफा होता जा रहा है, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। वही पंजाब में हर रोज टूट रहा है कोरोना का रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे के भीतर 510 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के अब तक कुल 15,450 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना से राज्य में अब तक 370 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वहीं 24 घंटे के भीतर 9 लोगों की मौत हुई। पंजाब में 4,570 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि पंजाब का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा है। तो आपको बता दें कि लगातार पंजाब में नए मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार पॉजिटिव मरीजों की गिनती में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि पंजाब में पंजाब पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती ज़रूर दिखाई जा रही है, लेकिन लोग पूरी तरह से लापरवाह पंजाब में हो चुके हैं। कोरोना से अब लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता है, लोग पूरी तरह से लापरवाही बरतते हैं, समारोह में ज़्यादातर इकट्ठे, कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, जिसके चलते खतरा और भी बढ़ जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।